हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो चलो आज साथ मिलके बनाते हैं कढ़ी पकौड़ी की रेसिपी। तो सबसे पहले क्या करना है, कढ़ी बनाने के लिए हमें ऐड करना है इसमें 1 कटोरी बेसन, उसमें डालेंगे हम 1 कटोरी दही और सारे मसाले जैसे हल्दी, नमक, धनिया पाउडर, मिर्ची पाउडर और गरम मसाला डाल के इसको मिक्स करेंगे। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए अच्छे से, उसमें हम डालेंगे 1 लीटर पानी और इसको अच्छे से मिक्स करके हम इसको साइड कर देंगे। अब हम बनाएंगे पकौड़ी। तो पकौड़ी बनाने के लिए क्या करना है, एक बाउल में लेना है बेसन, 1 कटोरी बेसन, उसमें हम डालेंगे सारे मसाले जैसे हल्दी, नमक, धनिया, मिर्ची और थोड़ा गरम मसाला और इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा अजवाइन क्रश करके और 1 बड़ा प्याज चॉप करके और मिर्ची को, इसको हम अच्छे से पहले सूखे हाथों से मिलाएंगे। उसके बाद हम इसमें धीरे धीरे पानी डालेंगे, हमको इसको ज़्यादा पतला नहीं करना है, ठीक है। इसको हमकी थोड़ी गाढ़ी कंसिस्टेंसी रखनी है। तो हम ऐसे जब ऐसे कंसिस्टेंसी हो जाए तो हम इसको फ्राई करेंगे। तो गरम तेल में जब अच्छे से मीडियम फ्लेम पे हमको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है, फिर हमको हाई फ्लेम पे फ्राई करना है। एक एक करके सारे पकौड़ी को तेल में डाल के हम कुछ ऐसे फ्राई करेंगे और जब इसका कलर ब्राउन हो जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। हमारी पकौड़ी रेडी है। अब इसकी कढ़ी बनाते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसी कढ़ाई में से थोड़ा सा तेल निकाल के हमको इसमें डालना है जीरा, राई और लहसुन चॉप किया हुआ और कड़ी पत्ता 4-5 और उसके बाद हम डालेंगे हरी मिर्ची और 1 सूखी लाल मिर्ची। उसके बाद 1 प्याज चॉप करके डालेंगे, थोड़ी देर इसको फ्राई करेंगे और जब इसका थोड़ा कलर ब्राउन हो जाए प्याज का तो हम इसमें डालेंगे हम दही वाला पानी। उसको हम अच्छे से 5 से 10 मिनट के लिए इसको चलाते रहेंगे। जब इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी गाढ़ी हो जाए तो हम क्या करेंगे, इसमें सारी पकौड़ियों को ऐड करेंगे और इसको 5 से 10 मिनट के लिए हमको उसको चलाते रहना है। और जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए तो हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा गरम मसाला और धनिया की पत्ती। हमारी करी रेडी है। अब हम इसमें लगाएंगे तड़का। तड़का लगाने के लिए हमें क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल में डालना है जीरा और लाल मिर्ची पाउडर, आप इसमें लहसुन भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद हम इसको तड़का लगाएंगे। हमारी कढ़ी रेडी है। आप इसको रोटी या चावल के साथ इंजॉय करो और वीडियो कैसी लगी है बताते जाना, लाइक सब्सक्राइब करते जाना। बाय, थैंक यू, इंजॉय, लव यू।